हेलो चेक अरे हेलो क्या टेंशन होगा। स्पोर्ट्स कुंडे वाला। तो दोस्तों ये मुकाबला है गवदीप जुई बनाम मीर स्पोर्ट्स कुंडे वाहल। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। पहले मुकाबले के अंदर संगम घरत की नायाब पारी 52 रनों की अपने व्यक्तिगत 50 किया और वर्चे ओले टीम दूसरे राउंड में जा चुकी है। परास्त किया टीम नितिन स्मृति कोहली को। अब इस मुकाबले के अंदर मीर स्पोर्ट्स कुंडेवाल और गवदेवी जुई के बीच ये चलती हुआ रन संग्राम क्रिकेट का महायुद्ध हम देख रहे हैं। हेलो आवाज सो तो मित्रा हेलो 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 हेलो। पहले गेंद के ऊपर 2 रन हासिल किए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के ऊपर। तकनीकी प्रॉब्लम्स चलता हुआ इसके बदौलत मैं समक्ष सभी की माफी मांगता हूँ और यहाँ से चलता हूँ मुकाबले की तरफ। मैदान के अंदर इस ओवर की दूसरी गेंद लेग बिफोर द विकेट की स्ट्रांग अपील की थी लेकिन इस अपील को खारिज किया। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया लेग बाइक के तौर पर। इस 1 रन से कुल रन संख्या हो चुकी है। मैग्नेटरी पावर प्ले का पहला ओवर है प्रोग्रेस पर 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर समाधान और अमित तो गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए गेंदबाज जीवन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट लेकिन बिल्कुल सामने खेला लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक था और नतीजा 6 रन। सतर्क रहना मैच जरूरी है। क्रिकेट आप देख रहे हैं खेल रहे हैं लेकिन सतर्क रहना दर्शकों को भी जरूरी है। कब कब आकर गेंद आपके पास आपके शरीर को लग सकती है। ये छक्का हासिल किया और छक्के के साथ कुल रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। जीवन राइट आर्म ओवर द विकेट मलिंगा एक्शन में गेंदबाजी हो रही है। यहां से अलोंग द कार्पेट लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर 1 रन आसानी के साथ पूरा। हल्का सा फंबल तो जरूर हुआ था लेकिन कुछ खामियां से भुगतना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही एंड पर थ्रो 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और इस 1 रन से कुल रन संख्या 10 पर पहुंची है टोटल। अब 10 पर बस नहीं करना होगा 10 का दम दिखाना होगा दबंग बनना होगा सलमान की तरह। और ये देखिए दिखाया 10 का दम करारा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से बल्लेबाज समाधान के बल्ले से। तो ये छक्का हासिल किया यकीनन हम कभी भी कुंडेवाल जब टीम मैदान के अंदर देखते हैं तो एक समाधान वास्कर एक 47 और उसके बाद नाम आता है समाधान कातकरी। ये दो समाधान ऐसे हैं जो किसी भी हालात में किसी भी परिस्थितियों से अपने टीम को उभर कर ला सकते हैं और वैसे ही किया। लोअर फुल टॉस थी और इस लोअर फुल टॉस को तकदील किया छक्के में और छक्के के साथ कुल रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन पहला ओवर है प्रोग्रेस पर। यहां से रनों की झड़ी लग चुकी है रनों की बारिश हो रही है पहले ओवर के अंदर। फिर एक बार दूर वाली चोर से ये देखिए ये नजाकत ताकत कलाई का इस देखने में मजा आएगा इस शॉट के ऊपर क्योंकि
लोअर फुल टॉस पैरों पर थी। गेंद इतनी खराब नहीं थी जो क्रिकेट में हम हमेशा इस्तेमाल होता है यॉर्कर या बिंदी गेंदों का, वैसी लोअर फुल टॉस पैरों पर थी, लेकिन नजाकत ताकत कलाइव का अच्छी तरह से इस्तेमाल टाइमिंग इम्प्रोवाइजेशन एलिवेशन सब कुछ इक्वल करके मिलता है ये चार रन। ये चौका हासिल किया बल्लेबाज समाधान काटकरी ने और इस चौके के साथ कुल रन संख्या हो चुकी है पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 20 आ चुके हैं। यहां से गेंदबाज का एंड चेंज होगा, दूसरे एंड से गेंदबाज आएंगे। अतुल गेंदबाज मैडम ओवर द विकेट, ये गेंद बैक फुट पर जाकर स्टीयर किया, हल्के हाथों से खेला पॉइंट और गली के बीच में से डीप थंडर बाउंड्री के बाहर, दन दनाता हुआ चौका। चौके के साथ 24 पर पहुंचा है कुल स्कोरबोर्ड, हम देख रहे हैं काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है पहले सत्र में, इस पहले इनिंग में। पिछले इनिंग में भी 79 रन बनाए थे टीम वर्चे ओले ने, इस समय 24 रन 7 गेंदों का खेल मुकम्मल होने के बाद टीम जुई के खिलाफ बनाए हैं मीर स्पोर्ट्स कुंडेवाल ने। ये शॉर्ट ऑफ लेन थी बिल्कुल सामने की तरफ खेला और ये वन बाउंस टू बाउंस ओवर द रॉ, 4 रन दूसरा करारा चौका। दो बैक टू बैक चौके हासिल किया बल्लेबाज अमित ने, उसके बदौलत कुल रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन। अब फील्डिंग में तब्दीली, अब सोच अपनानी होगी, कुछ तो ऐसी गेंदे निकाले जो विकेट निकाल सकती है बल्लेबाज। अगर ऐसी ही गेंदबाजी रही तो यकीनन खामियाजा भुगतना पड़ेगा, रन काफी ज्यादा होंगे। अब मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर है प्रोग्रेस पर, एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक डीप मिड विकेट में मौजूद है। ये स्लोवर बन करने की कोशिश थी, अपने जाल में फंसाने की कोशिश थी और चकमा दिया, और हमेशा कहते हैं चकमा खाने वाले ने गेंदों पर कोई नंबर नहीं लिखा होता, डॉट गेंद की समाप्ति हुई और इस डॉट गेंद की वजह से स्कोर कार्ड में कोई वृद्धि नहीं है 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद, गति में परिवर्तन, बदल, चेंज ऑफ फेस, क्योंकि आपको 6 गेंदें डालनी है और इस 6 गेंदों में आपको तब्दीली करना जरूरी है। एक स्लोवर डाली है, एक फास्टर डाली है, एक बाउंसर डाली है, एक यॉर्कर डाली है, तब जाकर आपकी 6 गेंदों में अच्छी खासा रिजल्ट आखिरी गेंद तक आता है, यानी कि 5 या 6 पर आप सीमित रख सकते हैं बल्लेबाजों को। ये तेज पहला तेज पहला स्लोवर, उसके बाद तेज, लेकिन ये स्लोवर में खुद गेंदबाज फंसे और ये डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर चौवा हासिल किया। रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर, इस ओवर में आए तीसरा चौका और रन बन चुके हैं 32 रन, 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके इस ओवर में आए 12 रन। यहां से इस ओवर की होगी अगली गेंद, राइट हम ओवर द विकेट, अतुल तैयार, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी लेकिन काफी नजाकत ताकत भरा शॉट, वीरेंद्र सेवा की याद ताजा करता हुआ ये शॉट डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर, दन दनाता हुआ शॉट। कुल रन संख्या हो चुकी है दो ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद 36 रन आ चुके हैं बगैर विकेट खोए। ये अच्छी शुरुआत होगी पहले सत्र में, यहां से ऐसी ही औसत रहती है 18 की औसत रहती है तो 70 के पार रन हो सकते हैं, लेकिन यहां से कमबैक करना होगा टीम जुई को, वापस करना होगा क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए अगर आपको नदी तो समुंदर की तलाश करो, हर पत्थर से तोड़ा जाता है हर शीशा, लेकिन बन जाओ ऐसा शीशा हर पत्थर को चीर डालो, ऐसी गेंदबाजी होनी चाहिए क्योंकि अब
36 रन स्कोरकार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से रोकना होगा बल्लेबाजों को, यहाँ से विकेट निकालनी होगी, यहाँ से दौड़ गेंदे डालनी होगी, तो ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी, ऐसे ही छक्के लगाने होंगे, ऐसे ही चौवे लगाने होंगे टीम मीर स्पोर्ट्स कुंडेवाल को, तब जाकर 70 या 75 रन बन सकते हैं। और 70 या 75 रन आप डिफेंड करिए जा सकते हो, लेकिन आने वाला 18 गेंदे, आने वाला वक्त बताएगा कितने रन स्कोरकार्ड के ऊपर आते हैं, कितने रन बनाए जा सकते हैं या कितने रनों के ऊपर सीमित रख सकते हैं टीम जुई के गेंदबाज। ये स्लो ओवर बंद की थी, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन बैट और गेंद का कोई ताल्लुक नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई वृद्धि नहीं, 36 पर रुका हुआ टोटल, राइट मूव द विकेट, ओवर नंबर 3 है प्रोग्रेस पर। यहां से विकेट निकालने की कोशिश और ये ब्रेक थ्रू, यहां से गोल्डन विकेट निकाली गेंदबाज तीसरे ओवर में मयूर ने। पहले विकेट का पतन हो चुका है, बैक टू द पवेलियन जा चुके हैं समाधान। उसके बाद नए बल्लेबाज विशाल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, यहां से कम बैक करती हुई वापसी वाला किफायती ओवर मयूर द्वारा, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये लोवर फुल टॉस, ये लॉलीपॉप दिया था, संडे के दिन लजीज खाना जैसे पेश किया जाता है, मेहमानों को वैसे लॉलीपॉप गेंद डाली थी और उसका पूरी तरह से फायदा लुफ्त उठाया बल्लेबाज अमित ने, और नंबर मिलेंगे 6। दन दनाता हुआ छक्का, तो ये करारा छक्का हासिल किया। इस छक्के के साथ कुल रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन आ चुके हैं। यहां से वापसी वाला ओवर तो किफायती ओवर तो चल रहा था, लेकिन ये लोवर फुल टॉस थी। ये देखिए नजाकत, ताकत, एलिवेशन, इंप्रोवाइजेशन और टाइमिंग, सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से लगाया ये छक्का, करारा छक्का फिर एक बार अमित के बल्ले से। समाधान आउट होने के बाद ऐसा लगा मनोवैज्ञानिक दबाव के साथ बल्लेबाजी होगी टीम मयूर स्पोर्ट्स कुंडेवाल की, लेकिन कौन सा भी दबाव अपने आपके ऊपर नहीं लेते समय जो दमखम में बल्लेबाजी, जो जुनून में, जो जोश में बल्लेबाजी हो रही थी, वैसे ही बल्लेबाजी इस समय करते हुए। लेकिन ये क्या छोड़ा, ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, ऐसा लगा यहां कि शायद छक्का नंबर 3 आ सकता है बल्लेबाज अमित के बल्ले से, लेकिन अंपायर को रेफर किया है क्योंकि ऐसा लगा बल्लेबाज को एक कमर के ऊपर की फुल टॉस थी। देखना होगा, हमारे टेक्नीशियंस प्राप्ति लाइव टीम हमें बताएगी थोड़ी देर में कि ये गेंद लीगल डिलीवरीज है या इस गेंद को नो करार दे सकते हैं। थोड़ी देर में आपको डिसीजन मिलेगा। यस, इट इज अ फेयर डिलीवरी, लीगल डिलीवरी है ये, यानी कि यहां से सिर्फ एक ही रन मिलेगी। शायद बल्लेबाज को ऐसा लगा कि ये कमर के ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे दीपक पाटिल सर थर्ड अंपायर की भूमिका में सही डिसीजन आया, एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर 43 रन बने। तीसरा ओवर है प्रोग्रेस पर, ओवर नंबर 3, और यहां से बल्लेबाज है विशाल भोईर। विशाल भोईर की नायाब इनिंग हम भूल नहीं सकते, क्योंकि भिंगारी बनाम कुंडेवाल का जो मुकाबला था बामन डोंगरी के मैदान के ऊपर, ऐसा लगा था कि 43 रन बनाए थे 18 गेंदों में बनाने थे
कुंडेवाल टीम को ऐसा लगा था कि शायद वो मुकाबला काफी दूर था, काफी लंबा था, कि ये मुकाबला नहीं जीता जा सकता, लेकिन रघु परदेसी के गेंदबाजी के ऊपर चार करारे छक्के दागे और वन हैंडेडली उस मुकाबले को अपने टीम के लिए जिताया था बल्लेबाज विशाल भोईर ने। यहां से इस एक रन से कुल रन संख्या हो चुकी है 50, अपने टीम का 50 पूरा किया। तीन ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, दो ओवर का खेल अभी भी बाकी, अभी भी शेष है। इस दो ओवर में कितने रन लुटाने में कामयाबी मिलती है या आने वाली 12 गेंदें हमें जरूर बताएगी, आने वाला वक्त, आने वाला टाइमिंग हमें जरूर बताएगा। लेकिन यहां से एक ऐसा गेंदबाज को निकालना होगा, एक ऐसे तीर को निकालना होगा जो यहां से डॉट गेंदे 5 या 6 तक सीमित रख सकता है बल्लेबाज करती हुई है नीर स्पोर्ट्स कुंडेवाल को। एक्सपीरियंस तौर पर गेंदबाज है, एक्सपीरियंस अनुभव यहां से रवि कड़ू 40 प्लस के गेंदबाज, और मुस्तैदी के साथ अब हम हमेशा देख रहे हैं कि हर एक टीम में 2 या 3 खिलाड़ी 40 प्लस के रहते हैं, और वो क्यों रहते हैं, क्योंकि सुबह 6 या 7 बजे उठकर वो प्रैक्टिस करते हैं। और लेकिन यहां से एक्सपीरियंस तो जरूर था, लेकिन सामने मैंने तारीफ की थी वो बल्लेबाज विशाल भोईर थे, और विशाल भोईर ने लगाया ये डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर कर रहा छक्का। यकीनी तौर पर हमें यह जरूर पता चला है कि कल ट्रॉम्बे के मैदान के ऊपर फाइनल नाइट मैच थे, पहले नंबर का खिताब हासिल किया ये टीम ने, कुंडेवाल टीम ने। अब वो कुंडेवाल टीम खेल रही है, विशाल भोईर के बल्ले से निकलता हुआ बैक टू बैक ये दूसरा करारा छक्का, अब नहीं रोक सकते इस जलजली, इस तूफान को नहीं रोक सकते, इस आंधी को नहीं रोक सकते गेंदबाज, क्योंकि यहां से चौके और छक्कों का सिलसिला चालू हो चुका है, रन बरस रहे हैं, क्योंकि अब रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 62 रन 62 रन। यहां से एडबैट से खेलने की कोशिश बिल्कुल विकेटों के सामने पाए, और लेग बिफोर द विकेट यहां से विशाल भोईर को वापस लौटना होगा, दूसरे विकेट का पतन हो चुका है। इनेट नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ये गेंद बिल्कुल सामने थी, खोद कर निकाला, वन बाउंस ओवर द वाइड लॉन्ग ऑन के बाहर, रन बनाता हुआ ये चौका, इस चौके के साथ कुल रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख रहे हैं 66 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 4 ओवर का खेल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट तो गेंदबाजी हो रही है, लेकिन इस बार फिर एक बार उसी क्षेत्र पर खेला लॉन्ग द कार्पेट वाइड लॉन्ग वन के ऊपर, एक महज सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा, और इस सिंगल के साथ कुल रन संख्या 67 पर पहुंचे 67 लॉस अप टू विकेट। अमित प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी मौजूद है, 3 करारे छक्के और 2 चौके लगाए थे, ये रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, जब इस सीधी उंगली से निकले तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत है क्यों, हम ऐसा हमेशा कहते हैं क्रिकेट में, लेकिन ऐसा लगा कि रिवर्स के स्विच हिट में जरूर 4 या 6 बन सकते हैं, ऐसी सोच ऐसा रवैया अपनाया बल्लेबाज अमित ने, लेकिन उस सोच पर पूरी तरह से पानी फेर दिया, पूरी तरह से अनसक्सेसफुल
हुए और डॉट गेंद की समाप्ति हुई। चार ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल रन संख्या 67 पर पहुंची है, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आखिरी ओवर प्रोग्रेस पर है, अब करो या मरो की स्थिति। अब से स्लॉग ओवर में क्या करेंगे गेंदबाज, कैसी होगी गेंदबाजी, कैसे निकाले सकते हैं डॉट गेंद, या आखिरी ओवर में यह रनों का सिलसिला जारी रहेगा, इस रनों इस चौके और छक्के का सिलसिला जारी रहेगा, रन बरसते रहेंगे, या आने वाली आखिरी 6 गेंदे हमें जरूर बताएंगे। बल्लेबाज है रोहित गायकवाड़ और उसके साथ अमित। पहली गेंदबाजी जिन्होंने डाली थी वही गेंदबाज आए और पहली गेंद के ऊपर ये करारा झटका, तीसरे विकेट का पतन, 67 पर तीसरा विकेट जा चुका है इस समय मीर स्पोर्ट्स कुंडेवाल का। टोटल नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर शैलेश। ओवर नंबर 5वां है प्रोग्रेस के ऊपर, हम देख रहे हैं गेंदबाज है जीवन, जिन्होंने पहले ओवर में काफी खराब गेंदबाजी की थी लेकिन इस ओवर में पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल की। मलिंगा एक्शन में गेंदबाजी तो जरूर हो रही है लेकिन लाइन और लेंथ नहीं मिल रही, सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग अप के बीच में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, खराब थ्रो किया और उसके बदौलत एक सिंगल को 2 में कन्वर्ट किया, आंखों के नीचे का सुरमा चुराने की कोशिश जरूर की थी बल्लेबाज मीर स्पोर्ट्स कुंडेवाल के बल्लेबाजों ने और उस कोशिश में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके, 69 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। अब इस ओवर की 4 गेंदें शेष है, आखिरी ओवर है प्रोग्रेस पर, आगे निकल कर खेलने की कोशिश तो जरूर की थी, स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश थी, विकेट कीपर चूके, यहां से 22 के तौर पर एक सिंगल बटोरा, इस सिंगल के साथ 70 पर पहुंचा है स्कोर कार्ड। 3 ओवर का खेल अभी भी मुकम्मल है, 3 गेंदों का खेल अभी भी मुकम्मल है, 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, बल्लेबाज है इस समय शैलेश। ये ओवर फुल टॉस थी, हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के रीजन पर खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश तो जरूर की थी लेकिन डेंजर एंड पर थ्रो और विकेट नंबर 4 यहां से बाहर जाता हुआ। बैक करने वाला ओवर, ये वापसी करने वाला ओवर, क्योंकि इस ओवर में अभी तक गेंदे हो चुकी है 4 गेंदों में, 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और 2 विकेटें चटकाने में कामयाबी हासिल की गेंदबाज जीवन ने। दूसरे ओवर में अपने किफायती गेंदबाजी हो रही है क्योंकि अब उन्हें पता है 71 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, ये काफी ज्यादा लक्ष्य हमें पार करना होगा दूसरे इनिंग में। यहां से अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश तो जरूर की थी लेकिन यस इट इज अ वाइट कॉल, लेग स्टंप से चूके, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद और अंपायर हमारे द्वारकानाथ चोर के सर का ये व्हाइट बॉल का इशारा, इस व्हाइट बॉल के तहत 1 रनों का इजाफा, 72 रन इज अ स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेट जा चुके हैं, 72 रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से 2 गेंदों में बनते 12 तो यकीनन रन बन सकते हैं 84, 10 बनते हैं तो 82 और 2 ही गेंदे डॉट जाती है
तो रन वहीं पर सीमित, लेकिन महेश सिंगल पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब इस सत्र की, इस इनिंग की, इस ओवर की आखिरी एक गेंद शेष, 73 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब छक्का हासिल करने में कामयाबी तो 79, जो पहले मैच में टारगेट सेट किया था वर्चुअली टीम ने, तो उसी टारगेट पर दस्तक देगी टीम मीर स्पोर्ट्स कुंडेवाल। जब इस गेंद में छक्का हासिल होता है 79 रन बन सकते, चौवा मिला तो 77 रन। ये लोअर फुल टॉस थी, शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन सिर्फ सिंगल पर संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल रन संख्या में हमारे स्कोरर अमोल सर हमें बता रहे हैं कि 74, 74 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। अब फासला है 30 गेंदे, 75 रन बनाने होंगे सेकेंड इनिंग में, दूसरे सत्र में टीम गावदी विजयी को मिल स्पोर्ट्स कुंडेवाल के खिलाफ। और ये रन कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसी हो सकती है इनिंग, कैसी हो सकती है बल्लेबाजी, कैसी हो सकती है फील्डिंग, और गेंदबाज क्या कारनामा करेंगे, उनका खुदे का हाल सुनाने के लिए इस गांव के मशहूर कमेंटेटर हमारे संदीप सर के पास हम जाएंगे। थैंक यू। आपण पाहतोय सुनील स्पॉट आयोजित कैलासवासी चंद्रकांत काशीनाथ केनी व कैलासवासी सदानंद दामोदर पाटील स्मृतिचषक 2021 या स्पर्धेतील आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। एका बाजूला गावदी जुई संघ आणि त्यांच्या विरुद्ध आपल्याला पाहायला मिळतोय तो म्हणजे मेयर स्पॉट कुंडेवाल संघ। खूप मोठी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतोय आयोजकांच्या माध्यमातून। आमच्या समवेत आम्ही आमचे समालोचक मित्र पाहतो इथे, रोहित गायकर सर, त्यानंतर नरेंद्र भगत सर, गुणलेखनाच्या भूमिकेमध्ये अमोल केनी आपल्याला इथे पाहायला मिळत आहेत। खूप सुंदर स्पर्धा, एकूण 5 दिवस या स्पर्धेचं आयोजन या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल। स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस, आजच्या दिवसाचा विचार केला तर संडे सुट्टीचा दिवस आणि प्रेक्षक वर्ग इथे सुट्टीच्या दिवसाचा आनंद घेण्यासाठी आपल्याला पाहायला मिळतात। खूप सारी गर्दी प्रेक्षकांची आपल्याला पाहायला मिळते। पहिल्या सत्राचा आपण विचार केला, पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी केली होती मिर स्पोर्ट कुंडेवाल संघाने, एकूण 5 षटकांचा खेळ केला, त्यामध्ये एकूण 74 धावा ठोकल्या आणि 75 धावांचं भलं मोठं लक्ष इथे गावदेवी जुई संघासमोर ठेवलंय। 15 सरासरी असेल गावदेवी जुई संघासमोर येणाऱ्या दुसऱ्या सत्रामध्ये 5 षटकांचा खेळ, आणि या 5 षटकांमध्ये गावदेवी जुई संघ 75 धावा पूर्ण करेल का, या दोन संघांपैकी कोणता एक संघ असेल जो विजय होईल हे पाहण्याकरता आपण मैदानामध्ये बोलूया। काही क्षणातच सामना सुरुवात होईल, दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होईल। एज द ओपनर गावदी जुई संघाकडून दोन सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये। संदेश आणि अतुल असे दोन फलंदाज मैदानावरती। खूप चांगला सामना, याच्या अगोदरचा आपण सामना पाहिला होता, शिवशंभो वरचौले विपक्ष,
नितिन इलियोंग कोहली दोन संघांमध्ये शिव शंभो वर्चवलाने चांगला खेळ दाखवला आणि त्या सामन्यामध्ये विजय प्राप्त केला. मात्र या दोन संघांमध्ये कोणता संघ विजय होईल? 75 धावांचं बल मोठं लक्ष अतुल आणि संदेश असे दोन फलंदाज ऍज अ ओपनरच्या भूमिकेमध्ये, ऍज अ ओपनरची भूमिका काय असते ती मैदानावरती दाखवतील का? मात्र इथे पहिल्या क्रमांकाचा गोलंदाज मीर स्पोर्ट कुंडीवाल संघाकडून संजय वास्कर राइट मोर द विकेट, पहिला चेंडू जोरदार अपील. मात्र इथे निर्णय ना अपेक्षित असेल, चांगला चेंडू फेकला होता. मात्र आमचे दोन पंच डिसिजन घेतील आणि एक चांगला निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवतील. मात्र इथे पंचांचा निर्णय, ते पहिल्या चेंडूवरती श्री गणेश केलाय आणि पहिल्या चेंडूवरती इथे संजय वास्कर यानं पहिला गडी बाद केलाय. अतुल मात्र या फलंदाज बाद. माध्यमातून पाहायला मिळाली फलंदाजांना थोडासा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न केला होता, बॅटची किंचित कडा घेतली, यष्टी रक्षकाने आपलं काम सुरक्षितपणे पार पाडलं आणि अतुल मात्र याला बाद व्हायला लागलं. पहिल्या चेंडूवरती एक सफलता प्राप्त केली. गोलंदाज पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र एक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, बॅट आणि चेंडूचा काहीसा संपर्क नाही आहे. इथे निर्धाव चेंडूची सांगता होते, पहिल्या चेंडूवरती सफलता आणि त्यानंतर हा फेकलेला चेंडू इथे निर्धाव पाहायला मिळतोय. कोणती धावसंख्या अजूनही धावफलकावरती नसेल, शून्य धावा धावफलकावरती एक गडी बाद. 75 धावांचं लक्ष पूर्ण करायचं आहे. मात्र इथे गोलंदाजी चांगल्या परीने आपल्याला पाहायला मिळतोय. संजय वास्कर याच्या माध्यमातून संघाच्या संघनायकानं दिलेले पहिले षटकाची जिम्मेदारी आणि ती जिम्मेदारी निभवत असताना चांगली सुरुवात आपल्याला इथे पाहायला मिळते. पहिल्या सत्राचा विचार केला तर मीरस्पोर्ट कुंडेवाल संघानं चांगली धावसंख्या कुठली, 74 धावा कुठल्या आणि 75 धावांचं लक्ष इथे गावदी जुई संघासमोर ठेवलंय. मात्र त्या लक्ष्याला पूर्ण करण्यासाठी गावदी जुई संघ इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र इथे दोन धावा कंप्लीट केल्यात, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात होता, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडू उचलेल फेकेल तोपर्यंत दोन धावा कंप्लीट. मात्र इथे संघाचा आणि स्वतःचा अकाउंट ओपन करतोय फलंदाज रोहित सुरते. दोन धावा धावफलकावरती, बॅटचा फेन्स खोलण्याचा जरूर प्रयत्न केला होता. मात्र इथे स्टेअर केलंय चेंडूला, लॉंग ऑन रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू उचलेल फेकेल तोपर्यंत पुन्हा एकदा इथे दोन धावा पूर्ण केल्यात. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन फलंदाज आम्ही पाहतोय इथे, संदेश आणि रोहित सुरते असे दोन फलंदाज. एकूण धावसंख्या 5 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. 4 धावा धावफलकावरती, 15 सरासरी आहे. मात्र इथे कुठेतरी कधी जुई संघ अडचणीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. अतुल मात्रेसारखा फलंदाज बाद झाला. इथे डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता. जर डायरेक्ट हिट झाला असता तर फलंदाज नक्की बाद झाला असता, परंतु तसं चित्र इथे पाहायला मिळालं नाही. षटक क्रमांक पहिला समाप्त होतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर गावदी जुई संघ जाऊन पोहोचतो एक गडी बाद. एकूण धावसंख्या 4. नक्कीच आपण जो आता सॉंग ऐकला आरोहीचा बड्डे आणि त्या आरोहीचा आज बड्डे, तर नक्कीच तिच्या बड्डेच्या निमित्तानं तिचे पप्पा विलास भगत यांना आजच्या दिवसामध्ये जे 8 संघ खेळणार आहेत त्यांच्यासाठी टी शर्ट इथे दिलेले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करू आणि आरोहीला बड्डे विश करू. तर इथे पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतो. एकूण धावसंख्या 4, दुसऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज मीर स्पोर्ट कुंडीवाल संघाकडून समाधान. मात्र इथे पहिल्या चेंडूवरती आक्रमकता दाखवली आहे.
तो संदेश आमच्या बॅटचा फेस खोलत असताना आपली आक्रमकता सिद्ध करत असताना दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती षटकार दाखवलाय. संघाच्या धावसंख्येला मोठा आकार देण्याचा प्रयत्न जरूर इथे केला जातोय, मात्र इथे मोठा अपील पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न केला होता फलंदाजानं, प्रयत्न मात्र इथं असफल ठरतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता, धावसंख्या स्थिर असेल, दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. समाधान कातकरी याच्या माध्यमातून फेकलं जातोय. दोन चेंडूची समाप्ती इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. मॅचचा पेन सप्पल होऊन खेळतोय, तंत्र वापरतोय, दिशा देतोय लॉंग हॉरिझन मध्ये, मात्र तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात. एका धावीपेक्षा इथे काहीच नाही, एकच धाव इथे या चेंडूवरती. चांगले क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळतोय कुंडुवाल संघाच्या क्षेत्ररक्षकांकडून. एक धाव आली एका धावीच्या मदतीनं पुन्हा एकदा संघ पुरे सरकतोय. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 11 धावा. गोलंदाज राईट मोडतो विकेट. क्रॉस लाईन खेळण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न, मात्र इथे एक धाव नक्कीच येतोय. एका धावीपेक्षा इथे काहीच नाही आहे. एकेरी दुहेरी धावसंख्येने आपल्या संघाला आकार देत असताना एकूण धावसंख्या 12 धावा. षटक क्रमांक दुसरं मार्गस्थ आहे. एकूण या षटकाचा विचार केला तर 3 चेंडूंचा खेळ इथे समाप्त होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 4th चेंडू होता, मात्र इथे स्टेअर केला होता चेंडूला, स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू अडवला गेला होता. पुन्हा एकदा एक धाव येतोय. एकेरी दुहेरी धावसंख्येने आपल्या संघाला पुढे सरकवत असताना हे दोन फलंदाज, मोठ्या फटक्यांची गरज असेल ती गावदी जुई संघाला, मात्र ते फटके दाखवतील काय दोन फलंदाज. आपली आक्रमकता सिद्ध करावी लागेल, षटकार चौकार मारावे लागतील, कारण धावसंख्येचा विचार केला 75 धावा आणि हा लक्ष पूर्ण करायचा असेल तर मोठी फलंदाजी करणं गरजेचं असेल. यावेळीस आपली आक्रमकता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता क्षेत्ररक्षक, तिथे तैनात. थोडीशी चुकी केली क्षेत्ररक्षकानं, झेल जमिनीला दान झाला आणि त्याचा फायदा पुरेपूर उठवला गेला या दोन फलंदाजांनी. तिसऱ्या धावचा प्रयत्न थोडीशी घाई, मात्र इथे फलंदाज संदेश बाद होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. रन आउट हा दुसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज बाद होतोय गावदेवी जुई संघाचा. थोडी घाई केली म्हटलं तर अति घाई संकटात नाही आणि इथे संकटात जावं लागलं संदेश या फलंदाजाला. हा दुसरा गडी बाद. एकूण धावसंख्या एकूण 15 धावा धावफलकावरती. 15 धावसंख्येवरती दुसरा गडी बाद झाला गावदेवी जुई संघाचा. कुठेतरी अडचणीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते जुई संघ, मात्र एकीकडे विचार केला तितक्या ताकदीची गोलंदाजी. पहिला षटक फेकला होता संजय वासकर यानं, अप्रतिम षटक फेकला होता. त्यानंतर समाधान कातकरी यानं फेकला, मात्र तिसरं षटक पुन्हा एकदा संजय वासकर आपल्याला इथे पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुन्हा इथे तयार. राईट मोर द विकेट स्टेअर केला चेंडूला लॉंग ऑफ रिझन मध्ये. केवळ दिशा देण्याचं काम इथे जीवन भिंडे याच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा तीच तोच चित्र इथे पाहायला मिळतोय. थोडीशी घाई केली आणि त्याचा परिणाम इथे भोगावा लागला फलंदाज रोहित सुरते इथे बाद होतोय. आज तिसरा गडी बाद होतोय गावदेवी जुई संघाचा. एकूण धावसंख्या 16 वरती. लागलेत फलंदाज इथे रोहित सुरते बांध झाला, त्याची जागा भरून काढतोय नवीन फलंदाज मयूर चिमणे. मैदानामध्ये दाखल होतोय. त्याची साथ देण्यासाठी जीवन भेंडे मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात, मात्र इथे थोडीशी घाई करत असताना जुई संघाचे फलंदाज त्याचा परिणाम भोगत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. खूप चांगली गोलंदाजी इथे संजय वासकर याच्या माध्यमातून. पहिलं षटक जसं ज्याप्रमाणे फेकलं होतं त्याचप्रकारे तिसऱ्या षटकाची सुरुवात देखील त्याचप्रमाणे इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी, षटकाचा विचार केला तर अद्यापपर्यंत 1 चेंडूची समाप्ती. हा दुसरा चेंडू होता षटकातील. पुन्हा एकदा तीच दिशा निवडली होती फलंदाजानं लॉंग ऑफ रिझन, मात्र तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात. जोपर्यंत चेंडू उचलेल फेकेल तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली.
एका धावेच्या मदतीने संघ पुढे सरकतो, एकूण धाव संख्या 17 धावा, धाव फलकावरती राईट अप ओवर द विकेट, मात्र इथे सफल होऊन केल्याचा प्रयत्न जरूर केला होता, बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही आहे. जीवन बेंडे हा फलंदाज मैदानावरती पाहतोय, निर्धाव चेंडूची सांगता पूर्णपणे अडचणीमध्ये सापडला, मात्र गावदी जुई संघ मोठे फटके मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये निर्धाव चेंडू खेळला जातोय. इथे लॉंग ऑन रिझन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, दुसरी धावेचा जरूर प्रयत्न केलाय, मात्र क्षेत्ररक्षण चुकीचं झालं, थोडीशी उशिरा आलेली फेकी, त्याचा पुरेपूर फायदा आउट होत असताना इथून फलंदाज दोन धावा कंप्लीट केल्यात, मात्र एकेरी दुरी धावसंख्येने काय होणार नाही. जर या सामन्यामध्ये जिंकायचं असेल तर मोठी फटकेबाजी करणं गरजेचं असेल या दोन फलंदाजांना, ती फटकेबाजी मात्र इथे पाहायला मिळत नाहीये. गोलंदाज पुन्हा इथे तयार असेल, मोठा अपील, मात्र इथे चेंडू पायावरती आदळतोय, कोणती धावसंख्या नसेल, चांगली गोलंदाजी. ज्याप्रमाणे पहिलं षटक फेकलं होतं त्याच प्रकारचं हा तिसरं षटक संजय वास्कर याच्या माध्यमातून. अद्यापर्यंत विचार केला तर पाच चेंडूची फेकी समाप्त होते, अजूनही अंतिम चेंडू या षटकातील शिल्लक असेल. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न केला आहे, दिशा दिली, आता मात्र युक्ती आणि शक्ती वापरली, चेंडू गेला लॉंग ऑन रिझन मध्ये वन बाउंस सीमा पार, या षटकातील अंतिम चेंडू होता आणि अंतिम चेंडूवरती लगावलेला जीवन भेंडे यानं आज चांगला चौका. षटकांचा इथे खेळ समाप्त होते, एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 23 धावा, येणारे चेंडू असतील 12 आणि अजूनही 52 धावांची गरज, खूप मोठा लक्ष. सरासरीचा विचार केला तर 26 सरासरी गाठावी लागेल, आणि ती सरासरी जर गाठायची असेल तर मोठी फटकेबाजी करणं गरजेचं असेल मैदानावरती. 52 धावांची अजूनही गरज आहे गावदेवी जुई संघाला, मात्र एकीकडे विचार केला गोलंदाजाचा संजय वास्कर आणि समाधान कातकर यांच्या माध्यमातून केली गेले, मात्र इथे चौथ्या क्रमांकाच्या गोलंदाज चौथ्या षटकाची जिम्मेदारी ज्याच्या हातामध्ये दिले तो कुंडीवाल संघाचा चौथ्या क्रमांकाचा गोलंदाज मैदानावरती. मात्र इथे स्टेरकिला चेंडूला पुन्हा एकदा दिशा निवडले, लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षक तिथे येईल, चेंडू उचलेल फेकेल, तोपर्यंत इथे एकच धाव, एका धावेपेक्षा इथे काहीच नाही. एक धाव आली, एका धावीच्या मदतीने संघ पुन्हा एकदा पुढे सरकतोय, एकूण धावसंख्या 24 समीकरणामध्ये बदल होतोय, येणारे चेंडू असेल 11 आणि 51 धावांची अजूनही गरज असेल. खूप मोठा पल्ला आहे आणि तो पल्ला पार करण्याचा प्रयत्न इथे जरूर करावा लागेल गावदी जुई संघाला. फुलटा चेंडू होता, सप्पल होऊन केल्याचा जरूर प्रयत्न केला होता, मात्र इथे बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता, जी गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये संजय वास्करने केली होती, जी गोलंदाजी दुसऱ्या षटकामध्ये समाधान कातकरने केली होती, त्याच गोलंदाजाच्या पायावरती पाऊल ठेवून चौथ्या क्रमांकाचा गोलंदाज मोहम्मद भुईर गोलंदाजी करतोय. लो फुलटा चेंडू, मात्र इथे मिड ऑफ प्रिझनमध्ये ट्रॅव्हल होत असताना मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात, एका धावीपेक्षा काहीच नाही. एका धावीच्या मदतीनं पुन्हा एकदा संघ पुढे सरकतो, एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 25 धावा, तीन गडी बाद 25 येणारं समीकरण, 9 चेंडू 50 धावांची गरज. बॅटची किंचित काढा, चेंडू इथे थर्ड मॅन रिझन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय, मात्र इथे मोठा फटका येतोय, चेंडू गेला सीमा पार, पंचांचा इशारा, या 4 धावा. आल्या सरासरीचा विचार केला, 8 चेंडू अजूनही 46 धावांची गरज. मोहम्मद भोईर याच्या माध्यमातून फेकलं जाणार आहे हे चौथं षटक आपल्याला पाहायला मिळतोय, चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून.
मात्र इतने या चेंडू वरती एक धाव या षटक हा पांचवा चेंडू होता पांचवे चेंडू वरती एक धाव आले एक धावी मदतीन संघ पुढ़ सरकतो सरासरी सात चेंडू पंचेचाळीस धावांची गरज या षटक अंतिम चेंडू मात्र इतने बैट ऐसी पेस खोलतो चेंडू ने उंची घेतली अंतर गाठला चौथ्या षटकातील अंतिम चेंडू वरती आलेला हा मोठा फटका चेंडू गेला इथे सीमा पार बेगीट धन्यवाद डीजे तत्पूर्वी विनंती असेल शिवशंभो वर्चवलेचा संघनायक विनंती असेल आपण आमच्या मंचाशी संपर्क साधायचा आहे या सामन्यामधून जिंकणारा संघ आणि शिवशंभो वर्चवले संघ या दोन संघांमध्ये पुढची लढत आपल्याला पाहायला मिळेल तर संगम घरत आपल्यास विनंती असेल आपण या आमच्या मंचाशी संपर्क साधा षटक क्रमांक चार एकूण समाप्त होतोय एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 36 येणारे चेंडू असतील 6 आणि 39 धावांची गरज ज्या प्रकारे आपण पहिला सामना पाहिला होता त्याच प्रकारे हा दुसरा सामना देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय पहिला सामना पाहण्यामध्ये मजा आली नव्हती मात्र या सामन्यामध्ये त्याच प्रकारचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतोय एकतर्फी सामना सहा चेंडूमध्ये सहा षटकार मारले तरी पण गावती जुई संघ सामना जिंकणार नाही कारण 39 धावांची गरज मात्र तो प्रयत्न केला गेला होता इथे डीजे गोलंदाज प्रकाश पहिला चेंडू फेकला होता पहिला चेंडू वरती सफलता प्राप्त केली मात्र नवीन येणारा फलंदाज मोठा फटका मारायचा जरूर प्रयत्न केला होता वारंवार असफल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे धावसंख्या स्थिर असेल 36 धावा येणारं समीकरण येणारे चेंडू 4 आणि 39 धावांची गरज एकतर्फी सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय प्रेक्षक वर्ग या सामन्यामध्ये जरूर नाराज असेल कारण प्रेक्षकांना कुठल्या प्रकारचे सामने पाहायला आवडतात ज्यावेळेस एकाच चेंडूमध्ये एक धावीची गरज असते ज्यावेळेस एका चेंडूमध्ये सहा धावांची गरज असते त्यावेळेस प्रेक्षक वर्ग नक्कीच तो सामना पाहण्यासाठी उत्सुकता असतात मात्र इथे थोडेसे नाराज झाले असतील कारण हा सामना आपल्याला एकतर्फी पाहायला मिळतोय अंतिम षटक मार्गस्थ आहे हा चेंडू फेकला गेला होता लॉंग ऑफ रिझनमध्ये ट्रॅव्हल होतोय क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात एका धावीपेक्षा इथे काहीच नाही आहे एका धावीच्या मदतीने संघ पुढे सरकतोय 37 धावा येणारं समीकरण असे येणारे तीन चेंडू आणि 38 धावांची अजूनही गरज पुन्हा एकदा सपाल निर्धाव चेंडूची सांगता मात्र इथे अंतिम चेंडू शिल्लक असेल अजूनही अंतिम चेंडूचा खेळ पूर्णपणे एकतर्फी सामना मजा नाही आली मात्र इथे या सामन्यामध्ये विजय प्राप्त